नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। चित्तौड़गढ़ में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में समाज के प्रबुद्ध जनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने महात्मा ज्योतिबा फूले सर्कल पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं अपने उद्बोधन में सांसद सीपी जोशी ने महात्मा फूले की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनकी सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उनको बताते हुए कि आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर माली समाज द्वारा आज सुबह प्रातः 9 बजे से अजरेश्वर महादेव मंदिर से जुलूस प्रारंभ किया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए प्रमुख बाजारों से होते हुए पुनः अजरेश्वर महादेव मंदिर पर समाप्त हुआ। सर, बात की अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरह कार्यक्रम थे और भाजपा एससी मोर्चा की तरफ से क्या विशेष किया गया? आज भाजपा एससी मोर्चा द्वारा सबसे पहले तो सुबह सुबह ज्योतिबा फूले की मूर्ति पर माल्यार्पण का प्रोग्राम रखा गया। उसके बाद में माली समाज द्वारा ज्योतिबा फूले की जयंती पर जुलूस निकाला गया। डी कस्बे के दिल्ली दरवाजा स्थित सैनी धर्मशाला पर सैनी समाज द्वारा महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने डी पहुंचकर महात्मा ज्योतिराव फूले के मूर्ति का अनावरण करते हुए उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष निरंजन लाल टकसालिया और सैनी समाज के संयुक्त तत्वाधान में मंत्री विश्वेंद्र सिंह का चांदी का मुकुट पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए कृषि बजट और ये आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, मैं खुद हूँ, ये हमारा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो की है, पैसा भी आवंटित कर दिया कि उस बजट की एक एक घोषणा की हम पूर्ति करें और ये नहीं करें। अटरू पंचायत में तत्कालीन सरपंच रहे ब्रजमोहन सोनी, सचिव राजेंद्र शर्मा, जितेंद्र कुमार, कस्तूर चंद को न्यायालय ने 5-5 साल की कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 90,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें कि सन 1998 में तत्कालीन विधायक रहे मदन दिलावर समेत 27 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें मंडी के सामने स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग की बेशकीमती चारागाह भूमि की बंदरबांट कर तत्कालीन सरपंच द्वारा भूखंड आवंटित किए गए थे, जिसमें मदन दिलावर समेत 21 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। कामा कस्बे में विगत दिनों एक सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले में शामिल कार्मिकों पर गाज गिरी थी। मिलीभगत के चलते कागजों में ही 698 लाभार्थियों के मकान बना दिए। इस मामले में 2 विकास अधिकारी सहित 12 कर्मचारी और अधिकारी निलंबित किए गए थे। आपको बता दें कि 1,28,00,000 रुपए का घोटाला किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने बड़े घोटाले को देखकर कामा कस्बे के चारों ओर हड़कंप मच गया। इतने बड़े फर्जीवाड़े को लेकर प्रभारी मंत्री रमेश मीणा कामा पहुंचे और पंचायत समिति सभागार में ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन और क्षेत्रीय विधायक और मंत्री जाहिदा खान भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में कोटा चित्तौड़गढ़ पश्चिम मध्य रेलवे लाइन पर मांडलगढ़ क्षेत्र के श्यामपुरा के पास पटरी पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पटरी पर किसी शरारती तत्वों ने बड़ा पत्थर रख हादसे की साजिश को अंजाम दिया था, लेकिन इस दौरान पटरी पर मालगाड़ी आने की आहट से रेलवे विद्युत सेक्शन के 2 कार्मिकों की पटरी पर रखे पत्थर पर नजर गई तो दौड़ लगाकर तुरंत पत्थर हटा दिए गए। दोनों कार्मिकों की सजगता और सतर्कता से रेल मार्ग पर बड़ा हादसा होने से बच गया। इस मामले की जानकारी कोटा सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी व भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया और रेलवे के अधिकारियों को मिली तो उन्होंने दोनों कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए आगामी दिनों में सम्मानित किए जाने की बात कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।